प्रणाम, मैं वैद्य गणेश कुमार आप लोगों के बीच में फिर ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, सभी लोगों को होती है, बट क्या है, किसी को समय के अनुसार खान पान के आधार पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपने देखा हो, पाइल्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चली आ रही है और कभी हर किसी को ये हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए कुछ हमारी ट्रिक हैं, कुछ हमारे मतलब नियम हैं कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें पाइल्स से छुटकारा मिले परमानेंटली। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने खान पान में उन तीन चीज़ों को में से एक चीज़ को जोड़ना होगा जिससे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में सुधार आए। क्योंकि आपने देखा हो, पाइल्स जो ऐसी समस्या है जो आपके पेट से जुड़ी होती है। अगर आपके पेट में कब्ज रहेगी तो पाइल्स को कोई नहीं ठीक कर पाएगा। कब्ज का निवारण कर लिया तो पाइल्स का निवारण कर लिया। तो कब्ज के लिए ही ये तीन चीज़ें हैं जिनमें से आप एक चीज़ इस्तेमाल करके इस कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं और आपको इसके पाइल से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए, वो तीन चीज़ कौन सी हैं उन्हें हम जानते हैं, जिसे आयुर्वेदिक में इन तीन चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहली चीज़ है, आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा फल आपको लेके आना है जिसका नाम है पपीता। पपीता आप खाना खाने के आधे घंटे पहले लगभग एक प्लेट पपीता खा लीजिए। लगभग आपको 200 ग्राम नॉर्मली 200 ग्राम आपको पपीता खाना है, फिर उसके बाद खाना खा लीजिए। आपको नियंत्रित रूप से आप पपीता सेवन करेंगे तो आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा है, आपको क्या करना है कि पपीते का तो सेवन कर लिया, अगर पपीता नहीं उपलब्ध होता है तो आपको खीरा आधे घंटे पहले आपको खीरा सलाद में काट के खाना है और फिर खाना खाइए, आपको कब्ज से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। मगर ये एक दो दिन का नहीं करना, ये निरंतर रूप से आपको करते रहना चाहिए। जिससे आपको कहते हैं कि अगर आप निरंतर रूप से कोई कार्य करते हो तो उसका अच्छा लाभ मिलता है। एक दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर विश्वास ख़त्म कर लिया, हर चीज़ पर विश्वास करके आप निरंतर करिए और रिजल्ट आपको 100% ज़रूर मिलेगा। तीसरी चीज़ है हमारी कि आपको पालक के पत्ते का सलाद या पालक के पत्तों का जूस आपको आधे घंटे पहले पीना है, फिर खाना खाइए। ये आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। आप देखिए, चमत्कारी रिजल्ट आपको मिलेंगे जिससे आपको इन चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। तो पालक के जूस आप आधे घंटे पहले सेवन कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से सिर्फ एक चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है सुबह शाम, और देखिए आपके खान पान में इन बदलाव से कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको कितना अच्छा फ़ायदा मिलता है। कोई भी दवा आप इसकी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्द से जल्दी आप ठीक होंगे। अगर इससे संबंधित कोई दवा की आपकी रिक्वायरमेंट है तो हमारे जड़ी बूटियों द्वारा इसकी दवा बना के तैयार कर दी गई है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी वो दवा मंगा सकते हैं और इन नियमों के सहारे आप जल्द से जल्दी पाइल से परमानेंटली के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, बने रहिए हमारी अगली वीडियो के लिए। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाएं और चाहते हैं अपने दोस्तों की हेल्प करना तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और आगे जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।